हाय एवरीवन। सो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं LWC, सॉरी, आपका सेल्स फोर्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, टॉपिक। ओके, क्योंकि अभी अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो तो उसमें आपको 100% ये टॉपिक पूछेंगे ही पूछेंगे। ओके, और इस टॉपिक का नाम है लाइटनिंग फ्लोज। क्या है लाइटनिंग फ्लोज? तो देखो, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, किसका, ऑटोमेशन का, उसमें मैंने आपको बताया था वर्क फ्लो, देन प्रोसेस बिल्डर, एंड देन मैंने आपको बताया था लाइटनिंग फ्लोज कि हम लोग कब कौन सा वर्जन यूज करते हैं, मतलब कब क्या यूज करेंगे तीनों में से, राइट? तो जो काम आपका वर्क फ्लो से नहीं हो सकता उसके लिए प्रोसेस बिल्डर, जो काम आपका प्रोसेस बिल्डर से नहीं होता हो सकता उसके लिए लाइटनिंग फ्लोज। ओके, तो इसका काम क्या है? देखो, जब भी आपको आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑटोमेशन परफॉर्म करना है, राइट, ऑटोमेशन का मतलब हम लोग समझ चुके हैं प्रीवियसली। ओके, तो आपको जब भी आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑटोमेशन परफॉर्म करना है तो आप लोग वर्क फ्लो का यूज करते थे पहले, बराबर, देन आप प्रोसेस बिल्डर पे गए। ओके, अब क्या होता था कि प्रोसेस बिल्डर से भी सारे काम होते नहीं थे पॉसिबल, क्यों? क्योंकि उसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे उसके अंदर सिर्फ 9 या 10 आपको क्या मिलते थे, एक्शंस मिलती थी, बराबर, 9 या 10 एक्शन मिलती थी। लेकिन अगर आपको उसके भी ऊपर का अगर कोई टास्क परफॉर्म करना है तो कैसे करोगे, राइट? तो उसके लिए ट्रिगर पे जाना पड़ता था हमको, मतलब कोडिंग के ऊपर जाना पड़ता था, बराबर। बट कोड में भी लिमिट्स होती है, कोड में कैरेक्टर की लिमिट होती है। कैरेक्टर की लिमिट मतलब क्या, जहाँ पे आप जैसे कोड लिखते हो ना, तो कोड में लिमिट होती है कि उतने इतने कैरेक्टर खर्चे नहीं होने चाहिए, है ना? तो फिर सबको कोड लिखते आता है क्या? नहीं। तो फिर क्या किया गया, आपकी कोडिंग का काम कम करने के लिए, ठीक है, ठीक है, और कम कोडिंग करने के लिए लाइटनिंग फ्लोज लाया गया। जो काम प्रोसेस बिल्डर से नहीं होता उसके लिए लाइटनिंग फ्लोज, ठीक है, लाया गया, ताकि आपकी कोड के ऊपर की जो डिपेंडेंसी है वो कम हो पाए। यह है सबसे पहला इसका पॉइंट। ओके, अब ये लाइटनिंग फ्लोज करता क्या है? देखो, लाइटनिंग फ्लोज इज वेरी मच एडवांस्ड, मतलब जितना अपग्रेडेशन वर्क फ्लो से प्रोसेस बिल्डर में नहीं हुआ, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा अपग्रेडेशन प्रोसेस बिल्डर से लाइटनिंग फ्लोज में हुआ। ओके, तो अभी जहां जहां पे वर्क फ्लोज यूज कर रहे हैं या प्रोसेस बिल्डर यूज कर रहे हैं, वो सब सब प्रोजेक्ट्स अपने मॉड्यूल्स को, अपने वर्क फ्लोज को, प्रोसेस बिल्डर को लाइटनिंग फ्लोज में माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेट कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे पास पुराना फोन होता है, हम लोग उसको क्या करते हैं, अपग्रेड करते हैं टू न्यू फोन, राइट, अपग्रेड करते हैं। पुरानी टीवी होती है उसको अपग्रेड करते हैं न्यू टीवी में, बराबर। तो टीवी देखना बंद होते हैं क्या? नहीं, टीवी देखना चालू रहेगा, लेकिन नई टीवी, नई स्क्रीन, समझ गए ना? जैसे आपका मोबाइल हुआ तो उसमें 2 GB रैम है, लेकिन आपको चाहिए 8 GB, बराबर। तो अपग्रेड अपग्रेडेड वर्जन बोल सकते हैं आप लाइटनिंग फ्लोज को। ओके, अभी लाइटनिंग फ्लोज अपने साथ क्या क्या लेके आता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेके आता है ऑटोमेशन, है ना, मतलब चीजों को ऑटोमेटिक करने की आपको फुल फ्रीडम मिलती है। ओके, दूसरी चीज, आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज, ये अपने साथ इतने एडवांस्ड फीचर्स लेके आता है जिससे आपका बहुत सारा काम जो है वो सिंपल हो जाता है। ओके, तो अब कैसे, देखो, इसके लिए हम लोग जाएंगे सीधा हमारे ऑर्ग में, यहाँ से जाएंगे हम लोग सेटअप में, और सेटअप में जाने के बाद सेटअप बॉक्स में हम लोग चूज करेंगे लाइटनिंग फ्लोज। अब देखो, वर्क फ्लो जो है वो आपका क्लासिक मोड में भी सेम वर्क करेगा और लाइटनिंग मोड में भी सेम वर्क करेगा। प्रोसेस बिल्डर जो है वो आपका लाइटनिंग मोड एंड क्लासिक मोड दोनों में सेम वर्क करेगा, लेकिन अगर आप क्लासिक मोड में जाके सेटअप में जाते हो और वहां पे अगर आप लाइटनिंग फ्लोज करते हो, तो वहां पे आपको ऑप्शन तो दिखेगा लेकिन वो आपको ऑटोमेटिक लेके आएगा लाइटनिंग के पेज पे, ठीक है, क्योंकि ये जो फ्लोज होता है ना, ये सपोर्ट करता है किसको, लाइटनिंग को, ठीक है। तो फ्लोज पे क्लिक करेंगे, कर दिया फ्लोज पे क्लिक। अब फ्लोज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो क्या होता है कि आपका एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही वर्क फ्लो या एक ही प्रोसेस बिल्डर या एक ही फ्लोज या एक ही ट्रिगर होना चाहिए, ठीक है।
ये तो बेस्ट प्रैक्टिस हुई, लेकिन वर्क फ्लो में आपको मल्टीपल कंडीशन होती है ना, तो आप तो एक तो आपका रहेगा नहीं, एक से ज्यादा ही रहेगा। उसको कम करने के लिए प्रोसेस बिल्डर आया, लेकिन प्रोसेस बिल्डर में कमियां क्या थी, क्या कमियां थी कि प्रोसेस बिल्डर में सिर्फ 9-10 एक्शन थी, उसके अलावा अगर आपको कुछ करना है तो कोड की जरूरत पड़ती थी, बराबर। तो फिर फ्लोज लाए। अब ये देखो फ्लोज है सारे के सारे, ये बने हुए फ्लोज है, ठीक है, अपने को इसका कोई काम नहीं है, मतलब काम नहीं है इसका मतलब क्या, ये जो फ्लोज है अभी ये हमारा यूज केस नहीं है, ये सेल्सफोर्स ने आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बना के दिए, जैसे केस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, रिव्यू ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर बना के दिए। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू फ्लो में जाएंगे, ठीक है। फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डे वन से समझो अच्छे से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको मिस नहीं करना है। देखो आपको फ्लोज कितनी सारी चीजें अवेलेबल करते हैं, फ्लो आपको स्क्रीन बनाने में हेल्प करता है, वर्क फ्लो कर सकता है क्या, नहीं करता है, प्रोसेस बिल्डर नहीं करता है, लेकिन आपको फ्लोज स्क्रीन बनाने में मदद करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये न्यू पे गया मैं, राइट, ये स्क्रीन बनी एक प्रकार की, ये स्क्रीन बनी, ठीक है। आप इससे अलग अलग कंपोनेंट्स बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कैलकुलेटर बनाया है ना, वो कैलकुलेटर बना के आप यहाँ पे इसको रख दो, तो आपको यहाँ पे साइड बाय साइड कैलकुलेटर दिखेगा, या फिर आपने कोई घड़ी बनाई है, टाइमर बनाया है, राइट, तो वो टाइमर यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, कोई स्टॉप वॉच बनाई, वो स्टॉप वॉच यहाँ पे दिखेगी। तो आप इससे रीयूजेबल कॉम्पोनेंट बना सकते हो, मतलब एक ऐसी चीज बना सकते हो जिसको आप कहीं पे भी यूज, जैसे आपका मोबाइल है, क्या है, रीयूजेबल चीज है, बराबर। जैसे फोन है मेरे पास, उसका मेन पर्पज क्या है, कॉलिंग करना है ना, तो उसको मैं यूज कर सकता हूँ, मेरी वाइफ भी यूज कर सकती है, मेरे पेरेंट्स भी यूज कर सकते हैं, मेरा भाई भी यूज कर सकता है, बराबर। वो फोन बोलेगा क्या कि नहीं तुम नहीं हो, है ना, अगर मैंने उसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई है तो वो बोलेगा क्या कि नहीं, तुम तो मेरे यूजर नहीं हो, ऐसा बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा, ठीक है, अगर कोई सिक्योरिटी नहीं है तो। उसी तरीके से फ्लोज भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है, जैसे स्क्रीन बनाने के ऑप्शन देता है, फिर इसमें रिकॉर्ड ट्रिगर का ऑप्शन आता है, फिर स्केड्यूलिंग का ऑप्शन आता है, जो आपको वर्क फ्लो में भी था, प्रोसेस बिल्डर में भी था, स्केड्यूलिंग करने का ऑप्शन, देन प्लेटफॉर्म इवेंट, देन ऑटो लॉन्च, एंड देन रिकॉर्ड ट्रिगर ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। इसमें से मोस्ट ऑफ द जो यूज होता है वो होता है स्क्रीन फ्लो का, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो का, स्केड्यूल ट्रिगर फ्लो का, लेकिन हम लोग सारे समझेंगे, ठीक है, हम लोग सारे समझेंगे। उसके बाद ये तो हो गया इसका कोर, अगर आप इसके टेम्पलेट्स वगैरह देखना चाहते हो तो यहाँ पे आके वन बाय वन चेक कर सकते हो, ठीक है, बहुत कुछ है इसमें, ओके। बट ये वाली जो है ये अभी अपनी फिलहाल अपने काम की नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग नहीं आएंगे, आप चाहो तो इसको आराम से बैठ के चेक कर सकते, ओके। अब बात करते हैं स्क्रीन फ्लो की, स्क्रीन फ्लो क्या करता है, स्क्रीन फ्लो करेगा आपके लिए स्क्रीन बनाने का काम, ठीक है। जैसे इसने क्या बोला है, गाइड्स यूजर्स थ्रू अ बिजनेस प्रोसेस दैट दैट इज लॉन्च्ड फ्रॉम लाइटनिंग पेजेस एक्सपीरियंस क्लाउड साइड क्विक एक्शंस एंड एक्सेट्रा। मतलब अगर आपको कोई स्क्रीन के थ्रू कुछ करना है तो यूजिंग स्क्रीन फ्लो आप उसको अचीव कर सकते हैं। रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो में क्या है कि जैसे आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसर्ट हुआ, अपडेट हुआ, ठीक है, तो आपका रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो होगा, जैसे आपको कोई फील्ड अपडेट करनी है, ईमेल करना है, कुछ भी करना है ना, कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना है, किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो ये आपका काम करेगा रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो। अब यहाँ पे एक चीज आती है, अगर आप वर्क फ्लो या प्रोसेस बिल्डर देखो तो वो कब काम करता था, जब आपका रिकॉर्ड इंसर्ट या अपडेट होता है सिर्फ तब काम करता है, ओके। लेकिन डिलीट हुआ तो डिलीट वाला केस आपका वर्क फ्लो या प्रोसेस बिल्डर हैंडल नहीं करता है, तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, एपेक्स ट्रिगर में, ओके। कि जैसे मेरे को बोलना है कि अगर मेरा रिकॉर्ड डिलीट हुआ तो डिलीट होने के बाद यूजर को ईमेल जाना चाहिए, बराबर, या डिलीट होने के पहले उसने चेक करना चाहिए कि अरे अगर एज लेस देन 18 ईयर्स है तो इसका रिकॉर्ड डिलीट नहीं होना चाहिए, बराबर। तो अगर ऐसा कुछ आपको प्रोसेस बिल्डर या वर्क फ्लो से करना है तो होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो डिलीट ऑपरेशन को सपोर्ट ही नहीं करता है, राइट, लेकिन रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो करता है। तो फ्लो में इन्होंने डिलीट वाला एक ऑप्शन जो है वो आपको दिया है एक्स्ट्रा, ठीक है। लॉन्चेस व्हेन अ रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, अपडेटेड और डिलीटेड, ठीक है, और ये किसका पार्ट है, ऑटो लॉन्च फ्लो का।
उसी तरीके से स्केड्यूल ट्रिगर्ड फ्लो, प्लेटफॉर्म इवेंट ट्रिगर्ड फ्लो, ऑटो लॉन्च एंड रिकॉर्ड ट्रिगर। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिस्कस करेंगे। ओके नाउ, अब यहाँ तक आ गए हम लोग, सब क्लियर है। ओके, अब सारी चीजें अगर मैं आपको वन टाइम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा ना, तो आपको थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करेंगे क्योंकि अपने को सब सीखना है। ठीक है, तो स्क्रीन फ्लो पे चलते हैं, क्रिएट पे क्लिक करो। तो स्क्रीन फ्लो क्या करता है, आपको स्क्रीन बनाने का एक बढ़िया ऑप्शन देता है। अब देखो, फ्लोज के चक्कर में मैंने बहुत लोगों को टेंशन में आते हुए देखा है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको फ्लोज नहीं आता है, इसीलिए मैं आपको इसको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। इसको अच्छे से ध्यान दो और जितना इसके ऊपर असाइनमेंट देता हूँ सारा का सारा फिनिश करो। ठीक है, जिससे आपको फ्लोज कंपनी में जाके परेशान ना करें। ओके, अब देखो बहुत सिंपल है, आपने गूगल मैप देखा है बराबर, तो गूगल मैप क्या करता है, मेरे को अगर कहीं से कहीं पे जाना है ना, तो वो क्या करेगा, मेरे को एड्रेस बताता है। ठीक है, तो चलो गूगल मैप यहाँ पे ओपन करेंगे। जस्ट आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ मैं, गूगल मैप। ठीक है, मैप्स में गए तो ये देखो कैसे नेविगेशन पॉइंट दिखा रहा है अपने को यहाँ पे, है ना। चलो इसको ट्राई करते हैं। तो मैं कहाँ पे हूँ अभी, नागपुर। अब सपोज करो मुझे कहाँ पे जाना है, नागपुर टू जाना है मुझे यहाँ से शेगांव, राइट। यहाँ पे अब ये क्या कर रहा है अपने को, देखो रूट बताएगा, है ना। बताया इसने रूट, कैसे कैसे बताया कि आपको सबसे पहले यहाँ से, एक सेकेंड है, इसको पहले कट कर देते हैं, फुल स्क्रीन करने दो यार, पूरा ही बंद हो गया, एक मिनट। नागपुर टू शेगा, ओके। हाँ अब देखो, ये लेवर्स में चलते हैं, ट्रांजिट, ठीक है, या फिर ट्रैफिक में देखना है अपने को, बाइकिंग मोर स्ट्रीट व्यू, देखते हैं क्या ऑप्शन देता है। ठीक है, ट्रांजिट ही रहने दो, ज्यादा कुछ करना नहीं अपने को, नॉर्मली समझना है इसमें। तो देखो यहाँ पे ये आपको क्या बताएगा कि आपको अगर नागपुर से शेगांव जाना है तो आपको बीच बीच में कौन से रूट पड़ेंगे वो बता रहा है, राइट। ये थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से शायद ऐसे बिहेव कर रहा है, इसको रूट पे आने दो। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। ओके, अब देखो अगर मुझे नागपुर से शेगांव जाना है तो मुझे ये कैसा रास्ता बताएगा कि आप पहले नागपुर से यहाँ पे जाओ, ठीक है, फिर वर्धा होते हुए, फिर अमरावती, ये रूट से आप ऐसे ऐसे पहुंच सकते हो बराबर। तो इसने आपको क्या बताया, रूट बताया बराबर। अगर मेरे पास ये रूट नहीं है तो क्या मैं मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता हूँ क्या, नहीं पहुंच सकता बराबर। डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता हूँ क्या, नहीं। तो हमको चाहे आपका वर्क फ्लो हो, चाहे आपका प्रोसेस बिल्डर हो, चाहे आपका फ्लोज हो, रूट बताना जरूरी है। मतलब ये देखो, ये कंडीशन अपनी यहाँ पे हो गई, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट ये है, फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, फिर यहाँ से पकड़ के इधर जाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, राइट। तो डेस्टिनेशन तक पहुँचना है, उसी तरीके से मैप हमको यहाँ पे बनाना पड़ता है। कैसे, कि आपका जो रिकॉर्ड है वो पहले किस फेज में आएगा, जैसे पहले मेरा नागपुर से इस फेज पे आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद इस फेज पे आएगा, फिर इस फेज पे आएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। उसी तरीके से फ्लोज में आपको ऐसे फेजेस बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है ऐड एलिमेंट, तो चाहे मतलब आपको कोई स्क्रीन ऐड करनी हो या कुछ भी ऐड करना हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड एलिमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको इसका जो भी ऑप्शन है वो दिखना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें ना दो व्यूज आते हैं, दो व्यू, एक तो आपका ऑटो लेआउट वाला व्यू होता है और एक होता है आपका फ्री फॉर्म वाला। दोनों व्यू सेम है, किसी में भी काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर फ्री फॉर्म वाला यूज करते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है, ऐसे। और अगर आप ऑटो लेआउट यूज करते हो, ठीक है, अगर आप ऑटो लेआउट करते हो, यहाँ पे करो, ठीक है, तो आपको कोई ऑप्शन दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, तो यहाँ से जाना पड़ेगा आपको
और यहाँ से चूज करना पड़ेगा एक एक चीज। ऑप्शंस आपको वही है, ठीक है, ऑप्शंस वही है, बस क्या है उसको शो करने का तरीका अलग है, ठीक है, जिसको जो कंफर्टेबल होता है वो उसमें काम करता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। हाँ, बट वही है कि आप कोई भी एक चूज करो। इनिशियल लेवल पे हम लोग फ्री फॉर्म में जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको सारे ऑप्शन यहीं पे दिखते हैं इसलिए। ओके, नाउ अब अपने को करना क्या है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ये मेरा यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड है या कॉलेज है या स्टाफ है, कुछ भी है, बराबर, तो आप देखो यहाँ पे यूजर का नाम दिख रहा है कि कहीं पे नहीं, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, राइट। या मैं यहाँ पे आता हूँ, ये यूनिवर्सिटी दिखी ना, इसके ठीक ऊपर मैं एक ऐसी ये दिखाना चाहता हूँ, स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे क्या लिखा होगा, कुछ इस तरीके से लिखा होगा, देखो मेरा फोटो होगा, बराबर, मेरा मतलब जो ओनर है ना आपके सेल्सफोर्स की ऑर्ग का, आप पर्टिकुलर यूजर को भी दिखा सकते हो वैसे, ठीक है, बट अभी मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। तो जो ओनर है, अभी ओनर कौन हूँ मैं, प्रशांत सुंटके, राइट। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक मैसेज दिखाना चाहता हूँ मैं, क्या रहेगा मैसेज, वेलकम मिस्टर प्रशांत, ओके, वेलकम मिस्टर प्रशांत सुंटके, ये क्या होना चाहिए, एक मैसेज दिखना चाहिए ऐसा, ठीक है। चाहो तो मैं अपनी फोटो दिखा सकता हूँ, कोई आइकन दिखाना है आइकन दिखा सकता हूँ, कोई मैसेज दिखाना है मैसेज दिखा सकता हूँ, एनीथिंग, ओके। यहाँ पे कोई बटन देना है बटन दे सकता हूँ, एनीथिंग, ओके। तो अभी आपको स्क्रीन बना के दिखाता हूँ मैं, कैसे बनेगी स्क्रीन, यहाँ पे आ गए। अब देखो अपने को क्या बनाना है स्क्रीन, यहाँ पे देखो स्टार्ट में ही अपने को स्क्रीन चाहिए, क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने पेज को लोड किया तो सबसे पहले आपकी विंडो स्टार्ट हुई, बराबर, स्टार्ट हुई तो आपको क्या दिखाना है, स्क्रीन दिखाना है। तो ये स्क्रीन यहाँ से उठाओ, ये स्क्रीन क्या है, एलिमेंट है, देखो यहाँ पे आपका स्क्रीन फ्लो में आपको तीन इंटरेक्शन में एक स्क्रीन फ्लो मिलता है, एक एक्शन, एक सब फ्लो, मतलब फ्लो के अंदर का फ्लो, ठीक है। देन आप उसमें लॉजिक क्या क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे को असाइन करना, डिसीजन मतलब इफ एल्स लेना, ठीक है, देन लूप अगर रहा तो कुछ, देन इसका कुछ बीटा वर्जन है, फिर अगर आपको सॉर्टिंग करनी है, कलेक्शन, कलेक्शन अभी आपको नहीं समझेगा है ना, तो कलेक्शन में आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिल्टर लगाने हैं कुछ रिकॉर्ड्स में, राइट। उसके बाद अगर आपको न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, फेच करना है, फेच मतलब क्या, लाना, रिट्रीव करना, ओके, या डिलीट करना है, तो ऐसे केस में आप किसका यूज कर सकते हो, स्क्रीन फ्लो का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मेरे को यहाँ पे कोई स्क्रीन बनानी है, जिस स्क्रीन के थ्रू मैं स्टाफ का रिकॉर्ड यही से इंसर्ट कर सकूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो ये यूनिवर्सिटी है, बराबर, ये यूनिवर्सिटी है। अब यूनिवर्सिटी के अंदर अगर मुझे कॉलेज बनाने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कॉलेज वाला टैब ओपन करना पड़ेगा, बराबर, देखो यहाँ पे ये कॉलेज का टैब ओपन करना पड़ेगा, न्यू की बटन पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से मुझे कॉलेज का रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, बराबर, एक चीज तो ये। दूसरी चीज मैं यहाँ पे रिलेटेड लिस्ट में जाके डायरेक्टली न्यू कर सकता हूँ, बराबर, लेकिन लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ छोटा सा फॉर्म देना है, छोटा सा फॉर्म, जैसे मुझे मेरे रेगुलर एक्टिविटीज को नोट करने के लिए कोई फॉर्म देना है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से हिडन करके रखा है, बराबर, जैसे फीस नाम का ऑब्जेक्ट है। अब मैं स्टूडेंट के पेज पे जाता हूँ तो कोई स्टूडेंट होगा, बराबर, उसकी फीस पेंडिंग है तो मैं फीस नाम के ऑब्जेक्ट में जाके भरूंगा, बराबर, लेकिन ये फीस नाम का ऑब्जेक्ट मेरे को यहाँ से हाइड करके रखना है, तो उसके लिए मैं छोटा सा स्क्रीन बना लूंगा, उसके ऊपर दो चार फील्ड रख दूंगा, तो जो स्टूडेंट रहेगा उसकी फीस मुझे यहाँ पे दिखते रहेगी, या फिर मैं यहाँ से उसकी फील्ड्स ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, वो आएगा सामने धीरे धीरे, ओके, जैसे जैसे मॉड्यूल बिल्ड करेंगे वैसे वैसे आएगा। तो अभी तो हम लोग सिंपल सा मॉड्यूल यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, दैट इज आपका ये लेबलिंग, ओके। तो अब चलिए यहाँ पे आए फ्लो बिल्डर में, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्क्रीन उठाएंगे, तो यहाँ पे स्क्रीन देखो आगे, अब यह फ्लो लेबल पे क्लिक किया, आपके फ्लो का लेबल दे दो सबसे पहले, ये आपके किसके लिए बना रहे हो, जैसे बोलो कि इसमें आप शो करना चाहते हो यूजर नेम, राइट, यूजर नेम फ्लोज, यूजर नेम फ्लोज, एपीआई नेम अपने आप ले लेगा, जैसे फील्ड का एपीआई नेम होता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं उस तरीके से इसका भी होता है, डिस्क्रिप्शन देना है दो, नहीं देना है मत दो, ठीक है। कॉन्फिगर हेडर एंड फुटर, देखो इसमें हेडर भी होता है फुटर भी होता है, ओके,
अगर आपको रखना है रखो, हाइड कर दे, शो हेडर में निकाल दिया, तो देखो हट गया यहाँ से हेडर वाला, है ना। ये आप आपके ऊपर है। हेल्प टेक्स्ट अगर आपको कोई देनी है तो आप दे सकते हो। कॉन्फिगर फुटर, फुटर मतलब ये पॉज प्रीवियस फिनिश, तीन तीन बटन है अपने को, कोई काम नहीं। मेरे को सिर्फ एक, कोई भी एक बटन आपको एटलीस्ट रखना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको बटन का नाम चेंज करना है तो आप कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे पॉज बटन की या प्रीवियस बटन की कोई जरूरत नहीं, तो मैं इसको कर देता हूँ हाइड। ओके, ओके इसको कर दिया हमने हाइड, इसको भी कर दिया हमने हाइट, सिर्फ फिनिश की एक बटन रहने दो, ओके, क्योंकि वो एटलीस्ट एक बटन आपको मांगेगा। ओके नाउ ये हो गया, चलो इसको हाइड करके देखते हैं, लेकिन एरर देगा बाद में, ठीक है। चलो बाद में कर लेंगे अभी, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये हो गया यहाँ तक। अब स्क्रीन तो बना ही नहीं हमने, और ये फ्लो में से फ्लो का लेबल देकर दे रखा है हमने, बराबर। तो यहाँ पे क्या है, यूजर नेम फ्लोज आया, ठीक है, इसको भी रहने दो। अब आपको क्या दिखाना है, यहाँ पे यूजर का नेम दिखाना है, बराबर, जो करंट यूजर रहेगा वो। तो नाम उसका हार्ड कोडेड आना चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि अगर आपने लॉगिन किया तो आपका नाम दिखना चाहिए, बराबर। जैसे मैंने मेरी ऑर्ग में एक दूसरा यूजर बनाया था, अगर मैं उससे लॉगिन करूंगा तो उसका नाम दिखेगा, बराबर, करेक्ट है। तो चलो एक बनाते सिंपल। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यू को इनपुट करनी है क्या, फॉर्म बनाना है कि इनपुट फॉर्म, नहीं, मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है, मतलब आउटपुट, है ना। तो ये इनपुट से मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको इनपुट फॉर्म बनाना है तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें दी, जैसे एड्रेस पुट करना है, कॉल, कैंसिल अपॉइंटमेंट, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स का ग्रुप, है ना, करेंसी, डेटा टेबल, ये सब आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए। जैसे डिस्प्ले इमेज, देखो ये है, अभी अपने पास कोई इमेज है क्या डिस्प्ले करने के लिए, नहीं है, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ से आपको क्या उठाना है, डिस्प्ले टेक्स्ट। आप चाहो तो सेक्शन भी, सेक्शन वाइज भी डेटा ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल हमको सेक्शन नहीं बनाना है, जब सेक्शन का टाइम आएगा उसका भी यूज करेंगे, ठीक है। तो डिस्प्ले टेक्स्ट में जाके यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट को कर देंगे डिस्प्ले। अब इसमें करना क्या है, तो इस पे करना है शो करंट यूजर का नेम। अब देखो ये एपीआई नेम ऐड करो बोल रहे हैं, तो एपीआई नेम अगर ऐड करो बोल रहा है तो या तो अंडरस्कोर दो या फिर कुछ भी नहीं देना, लेकिन स्पेस नहीं चाहिए इसके अंदर, ठीक है। ओके, स्पेस नहीं देना है बस, ठीक है, क्योंकि एपीआई नेम में स्पेस नहीं होती है। तो शो करंट यूजर नेम, नाम स्पेसिफिक ऐड करो, बराबर। अब यहाँ पे करंट यूजर का नेम कहाँ से लाएगा वो, आप बताओ कहाँ से लाएगा, बराबर। तो हम लोग इस कंपोनेंट को बनाने के बाद जिस भी, चाहे जिस भी ऑब्जेक्ट में आप रखो, बराबर, तो वो ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड मैंने ओपन कर दिया, बराबर, तो ऑटोमेटिक इसने करंट यूजर जो लॉग्ड इन यूजर है, अभी लॉग इन किसके नाम से है, मेरे नाम से, करेक्ट, तो मेरा नाम ले लेना चाहिए, करेक्ट है। तो यहाँ पे कैसे आएगा, देखो रिसोर्स स्पीकर में जाना और रिसोर्स उठाना, बराबर। अब रिसोर्स कहाँ से लाओगे, देखो ये यूजर दिख रहा है आपको, यूजर में जाओ और यूजर का नेम, तो करंट यूजर का नेम आपको ये दे देगा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों ले लो आप, ठीक है, या एक लेना है एक लो, जो जो डिटेल्स आपको शो करनी है ना यहाँ पे, यूजर ऑब्जेक्ट से उठाता है ये। ओके, फर्स्ट नेम दे दिया, अब इसके बाद में मुझे क्या देना है, लास्ट नेम भी चाहिए सपोज करो, तो ये यूजर के अंदर गए, लास्ट नेम उठा लो, बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रशांत सुनटके। अब उसके आगे आपको मिस्टर वगैरह लगाना है तो ऐसे लगा दो, बराबर। अगर आप चाहते हो कि इसको बोल्ड करना है ना, तो देखो आपको नीचे में यहाँ पे ऑप्शन देता है बोल्ड का, दिया। इटैलिक करना है इटैलिक करो, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन करो, ठीक है, मेरे को नहीं करना है। सेंटर अलाइन करना है सेंटर अलाइन करो, ठीक है। उसके बाद देखो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, आपको जो लगे ना, जैसे इमेज वगैरह ऐड करनी है यहाँ पे, अभी देखते हैं अगर कुछ इमेज होती है तो ऐड कर देंगे, ये दिख रही है ना, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, देखते हैं सपोर्ट करती है क्या, क्योंकि साइज वगैरह का प्रॉब्लम आता है। ओके, देन अगर आपको कुछ अटैचमेंट देनी है तो दे सकते हो, देखो हो गई, ठीक है। लेकिन ये कंपोनेंट जब आप अपने एंड पे यूज करोगे तो आपको भी मेरी फोटो दिखेगी, या फिर कोई दूसरा यूजर अगर मेरी ऑर्ग में लॉग इन करता है तो उसको भी मेरी फोटो दिखेगी। उसको किसकी फोटो दिखनी चाहिए, उसके खुद की फोटो दिखनी चाहिए, है ना। तो हमको वो फोटो कहीं ना कहीं करंट यूजर के नाम से स्टोर करके रखनी पड़ेगी। ओके, तो
तो अभी के लिए तो मैं मेरी फोटो यहाँ पे रहने दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ लेकिन मुझे थोड़ा सा साइज कम चाहिए था, बट तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे साइज के लिए कोई ऑप्शन होगा, ठीक है। देखते हैं फिर भी ट्राई करके, क्योंकि आपको छोटे साइज की फोटो लेना पड़ेगा, बट लेट्स सी, ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट का साइज कम ज्यादा करना है तो आप कर सकते हो, टेक्स्ट के साइज के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। कहाँ गया, एक मिनट, Ctrl Z, ओके यहाँ तक आ गया। इसके बाद एंटर, और एंटर करने के बाद आप वो इमेज जो है आपको अगर ऐड करना है तो कर लो, ठीक है। जैसे मैं सेल्स को ज्ञान करता हूँ, ठीक है, तो उसके नीचे दिखनी चाहिए, ओके इस तरीके से। ये ऑप्शन क्या है, रिमूव फॉर्मेटिंग, अगर आपको फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ है रिमूव करना है करो, ठीक है। इंडेंटेशन लेवल सेट करना है कर लो, ठीक है। यहाँ पे नाम आपको थोड़ा सा चिपक चिपक के दिख रहा है, राइट, तो आपको थोड़ा सा बीच में स्पेसिंग चाहिए, तो स्पेसिंग ऐड कर दो ऐसे, ओके इस तरीके से स्पेसिंग ऐड कर दो। हुई कि नहीं हुई स्पेसिंग ऐड, नहीं हो रही, एक मिनट, इसको मैं इधर चलते हैं, स्क्रॉल डाउन, लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट अलाइन करने के बाद देखो अभी स्पेसिंग आपको दिख रही है यहाँ पे आ गई है। हाँ अभी चाहो तो सेंटर कर दो, सेंटर में यहाँ पे करके देखते हैं। हाँ ओके कूल, नाउ अब करेंगे इसको डन, ठीक है। एकदम सिंपल सा कंपोनेंट है, बस इसको इसके साथ अटैच करो। गूगल मैप पे एग्जांपल बताया, वो क्या करता है, एक रूट को दूसरे रूट के साथ अटैच करके क्या आपको दिखाता है, बराबर। अभी आपको इसके अंदर कुछ और चीज करनी है क्या, कुछ भी नहीं करना है, ना मुझे रिकॉर्ड क्रिएट करना है, ना इंसर्ट करना है, ना अपडेट करना है, ना डिलीट करना है, ना कोई दूसरी स्क्रीन दिखानी है, तो अपना काम हो गया, बराबर। सेव करेंगे, अब आपका फ्लो का नाम बता दो यहाँ पे, जो भी आपको सेव करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन फ्लो, ठीक है, यूजर नेम, ठीक है, या फिर वेलकम स्क्रीन लिख देता हूँ मैं, ठीक है, सॉरी यूजर नेम स्क्रीन लिख देता हूँ, यूजर नेम स्क्रीन, ओके इस तरीके से फ्लो का ये लेबल हो गया, राइट। एपीआई नेम इसने अपने आप ले लिया, डिस्क्रिप्शन देना है दो, नहीं देना है मत दो, ओके। ये बन गया आपका एक पहला कंपोनेंट, राइट। लेकिन आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट, बराबर। अब देखो वर्क फ्लो एंड प्रोसेस बिल्डर में आपको रन का या डीबग का ऑप्शन नहीं आता, मतलब अगर कुछ गलती कर दी तो उसको सुधारने के लिए या उसको चेक करने के लिए टेस्टिंग करने का कोई ऑप्शन नहीं आता, बराबर, एक्टिवेट करके ही करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको रन और डीबग दोनों ऑप्शन आते हैं, तो जब हम लोग और थोड़े से एडवांस इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल इसको करो एक्टिवेट, तो देखो वर्जन नंबर 1 हो गया इसका स्टोर, राइट। अब देखो इधर चलेंगे अभी अपने रिकॉर्ड में, लेकिन आपका ये सिर्फ मॉड्यूल बन गया, बराबर। मतलब अभी आपको जैसे आपने फैन लिया, बराबर, अब फैन क्या है, फैन एक कंपोनेंट है, फैन एक कंपोनेंट है। फैन ऐसा बोलता है क्या कि मेरे को अगर लिया है तो मेरे को हॉल में ही लगाना पड़ेगा, नहीं, आप किचन में लगाओ, राइट, आप बेडरूम में लगाओ, आप पैसेज में लगाओ, बराबर, आप बाहर के पोर्च में लगाओ, आप टेरिस पे लगाओ, कहीं पे भी लगाओ उसको, क्यों, क्योंकि वो एक कंपोनेंट है, बराबर, उसको कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो, है ना। उस पे नाम लिखा है कि मैं सिर्फ वॉल पे ही लगूंगा, नहीं, राइट, या फिर मैं सिर्फ किचन में ही लगूंगा, नहीं, राइट। उसी तरीके से इस कंपोनेंट के ऊपर कुछ नाम लिखा है कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्ट में ही लगेगा या स्टाफ में ही लगेगा, नहीं, तो ये कंपोनेंट बन गया है। और ये क्या है, रीयूजेबल कंपोनेंट, मतलब इट कैन बी रीयूज्ड एनीवेयर, आप चाहो तो सारे ऑब्जेक्ट में यूज करो, 50 ऑब्जेक्ट में यूज करो, 100 ऑब्जेक्ट में यूज करो, सब में दिखेगा। अभी फिलहाल मैं आपको उसको एक ऑब्जेक्ट में ऐड करके दिखा रहा हूँ, जैसे ये यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्ट है ना, मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे ऊपर में दिखना चाहिए डेटा, कौन सा, यूजर का नेम अलॉन्ग विथ हिज फोटो, कैसे दिखेगा, देखो रिकॉर्ड ओपन कर लेना, यहाँ पे जाना, एडिट पेज करना, ठीक है। सबसे पहले तो पेज का डुप्लीकेट कर लो ताकि बार बार आपको बैक ना जाना पड़े, वैसे मेरे पास यहाँ पे ओपन है तो टेंशन नहीं, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे आ गए, अब हमारा जो कंपोनेंट है वो हमको यूज करना है, कहाँ पे यूज करोगे कंपोनेंट को, कहाँ पे यूज करोगे, यहाँ पे ऊपर में चाहिए, है ना। देखो मैंने आपको ऐप बिल्डर पढ़ाया था स्टार्टिंग में, तो ये स्टैंडर्ड वाला है,
और नीचे कस्टम। तो जो कस्टम कंपोनेंट होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे जब आप कोडिंग में पढ़ोगे उसको, ठीक है। बट अभी अपना फ्लो वाला कंपोनेंट है, तो यहाँ पे चलो, ये दिख रहा है आपको फ्लो, राइट, इसके ऊपर क्लिक करो। तो ये क्या बोल रहा है, इंसर्शन पॉइंट चाहिए, बराबर। तो यहाँ से फ्लोज उठाओ और आपको कहाँ पे इंसर्ट करना है, सबसे टॉप में, राइट, तो यहाँ पे रख दो। लेकिन क्या ये हमारा फ्लो है क्या? नहीं, हमारे फ्लो का नाम क्या है, दूसरा नाम है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिए, सारे के सारे फ्लोज दे दिए, बराबर। अब ढूंढो इसमें से अपना फ्लो, है ना, या तो डायरेक्ट नाम टाइप करो या ढूंढ लो। तो हमारा कौन सा है, स्क्रीन फ्लोज यूजर नेम स्क्रीन, करेक्ट, बस ऐड कर दो। तो यहाँ पे अभी क्या आ गया, हमारा फ्लोज आ गया कौन सा, स्क्रीन फ्लोज यूजर नेम स्क्रीन, ओके। उसको वन कॉलम रखना है, टू कॉलम रखना है, वन कॉलम मतलब एक लाइन में, टू कॉलम मतलब दो लाइन में, ठीक है। अगर आपको इसकी विजिबिलिटी के लिए कोई फिल्टर ऐड करना है कि अगर मेरी कोई प्रॉपर कंडीशन ट्रू होती है, राइट, तो ही ये दिखना चाहिए, अदरवाइज दिखना नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके भी सिनारियोज आएंगे। अब करो सेव, कर दिया सेव। सेव करने के बाद एक्टिवेट करो। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम एक्टिवेट करोगे, अब देखो हम लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर पेज बनाया था ना, ये वाला लाइटनिंग का रिकॉर्ड पेज, तो यहाँ पे असाइन एज ऑर्ग डिफॉल्ट था, तो हमने वहाँ पे उस टाइम पे एक्टिवेट कर दिया था, ठीक है। अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको क्या करना है, डेस्कटॉप एंड फोन दोनों के लिए करो, नेक्स्ट पे जाओ, सेव करो, ठीक है, हो गया। एक बार फिर से जाके एक्टिवेशन में चेक कर लो कि असाइन एज ऑर्ग डिफॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो नहीं हुआ है ना, इस पर टिक कर लेना आप लोगों ने जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है, ओके। चलो गो बैक टू योर पेज नाउ, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। अगर रिफ्रेश नहीं, रिफ्रेश से भी नहीं दिखता है तो हार्ड रिफ्रेश करके देखना है एक बार, ठीक है। नहीं दिखा ना, यहाँ पे चलो इंस्पेक्ट में जाओ, जस्ट अ सेकेंड, इंस्पेक्ट, ठीक है। कैशे का इशू आता है तो एम्प्टी कैशे, हार्ड रीलोड, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से हम लोगों ने क्या कर रखा है, सेव किया है, बराबर, सेव भी किया था और एक्टिवेट भी किया था, ओके। तो इसने दिखना चाहिए, और यहाँ पे देखो ऐड भी है, राइट। यहाँ पे आते हैं फिर से वापस, अब देखो दिख रहा है, हाँ फोटो नहीं, फोटो भी दिख गई, ठीक है, ये देख, बराबर। लेकिन फोटो थोड़ी सी बड़ी दिखे तो अपने को इतनी बड़ी फोटो नहीं चाहिए, राइट। तो आप क्या करना, थोड़ी छोटी साइज की फोटो लेना और उसको लेफ्ट अलाइन कर देना फोटो को, ओके। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्क्रीन क्लोज यूजर नेम स्क्रीन, आपके फ्लो का जो है वो नाम दिख रहा है, स्क्रीन फ्लो का नाम, राइट। तो ये आपके कंपोनेंट का नाम हो गया यहाँ पे। अभी हम लोग चलेंगे फ्लोज में वापस, ओके। कहाँ गया, यहाँ पे ये कंपोनेंट में वापस चलो, ठीक है, स्क्रीन फ्लोज यूजर नेम स्क्रीन, बराबर। अब ये मुझको नहीं चाहिए क्योंकि ये देखो ना ऐसे यहाँ पे दिखता है, राइट, ये प्रॉपर है क्या, नहीं है, तो इसको हम लोग हटा देंगे। कैसे हटा देंगे, इधर चलेंगे, कॉन्फिगर हेडर में जाओ और शो हेडर को कर दो बंद, बराबर, बंद कर दिया, ओके। फिर से सेव करो, नया वर्जन के साथ सेव करेंगे इसको, ओके। तो अभी क्या हो गया, वर्जन नंबर 2, वर्जन नंबर 2 को एक्टिवेट करो, कर दिया, वापस आओ, जस्ट रिफ्रेश योर पेज, देखो गया, ओके ओके। तो देखो यहाँ पे नाम आ गया, जो करंट यूजर है उसका ही नाम आएगा, ठीक है। तो अगर अभी मेरी ऑर्ग में कोई दूसरा यूजर है, अगर मैं उससे लॉग इन करूंगा तो उसके भी नाम, उसका नाम यहाँ पे दिखेगा, बराबर। लेकिन अभी फिलहाल मेरे ऑर्ग में कोई भी दूसरा यूजर नहीं है, क्योंकि मेरी ऑर्ग जो है वो फ्रेश ऑर्ग है, ठीक है, जो हमने पहले ली थी वो नहीं है, ओके। अगर हम लोग यहाँ पे दूसरा यूजर बनाएंगे और उससे लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे उसका नाम दिखेगा, ठीक है। आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो प्रॉपर स्पेसिंग दिख रही है, अगर आपको ये इमेज इधर चाहिए इसको इधर करो, उसके अगेंस्ट में नाम लिखो, इमेज का साइज थोड़ा सा छोटा लेना आप लोग, ठीक है। अभी मेरे पास जो अवेलेबल थी मैंने वो ले ली, इधर जाना, इसके ऊपर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो सेटिंग होगी कुछ ना कुछ, इसको इंडेंटेशन वाली, तो इसमें आप थोड़ा सा ट्राई करो, जैसे ये नाम हो गया यहाँ से हटा के,
इसके अगेंस्ट में लिखने का कोई ना कोई ऑप्शन तो ऑब्वियसली होगा। ठीक है, रिमूव फॉर्मेटिंग इमेज बुलेटेड लिस्ट नंबर्ड लिस्ट। ओके, तो डायरेक्ट तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ से इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं कुछ जुगाड़ अगर हो जाए तो। ठीक है, यहाँ पे इसके ठीक बाजू में हम लोग उसको कर देंगे पेस्ट, लेकिन वो उसके बाजू में नहीं ले रहे हैं, देखो यहाँ पे ले लिया ना, अभी दिखा तो रहा है। डन करते हैं। ठीक है, फिर से सेव करेंगे। ठीक है, सेव करने से पहले चलो कर लो सेव, कर लिया सेव, वापस चलो रिफ्रेश करो। नहीं, ये प्रॉपरली सेव नहीं, सेव किया मैं, शायद एक्टिवेट नहीं किया होगा मैंने। हाँ, एक्टिवेट नहीं किया। ठीक है, अब आ गए इधर, अब रिफ्रेश करो। ये देखो आ गया, राइट। लेकिन मेरे केस में कैसा दिख रहा है, इमेज बड़ी होने की वजह से इस तरीके से दिख रहे हैं, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट साइज बढ़ा दो आप, तो फॉन्ट साइज बढ़ोगे तो उससे भी काम हो ही जाएगा आपका। ठीक है, सिंपल सी चीज है, आप कर लोगे इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहला स्क्रीन फ्लो, ठीक है, मतलब स्क्रीन फ्लो का यूज करके हमने क्या किया, क्या किया, एक छोटा सा कंपोनेंट बनाया, राइट। अब इस कंपोनेंट को अगर आप कहीं और ऐड करना चाहते हो तो आप इजीली ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस कंपोनेंट को अभी देखो, मैंने इसको सेट वगैरह कुछ किया नहीं है, आप आराम से इसको इंडेंटेशन इसका सेट कर लेना। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट बताना। ठीक है, बढ़ गया साइज। ओके, अब आप प्रॉपर इमेज करके ऐड कर देना, राइट। नाउ, अब अगर आप चाहते हो कि कॉलेज ऑब्जेक्ट में भी आपको सिमिलर दिखे, तो चलो कॉलेज ऑब्जेक्ट ओपन करो, है ना। कॉलेज ऑब्जेक्ट का कोई भी रिकॉर्ड ओपन करो, एक ही रिकॉर्ड है तो इसको ओपन करके देखो। यहाँ पे दिख रही है कि अपने को स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो फिर क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करना, एडिट पेज में जाना, बराबर। तो अगेन आपका क्या ओपन होगा, ऐप बिल्डर ओपन होगा, बराबर। इस तरीके का कॉलेज ऑब्जेक्ट के लिए, बस यहाँ से फ्लोज में जाना, फ्लोज इसको यहाँ पे ड्रैग करना, ओके, अपना फ्लोज यहाँ से सिलेक्ट करना, ओके, एंड इम्प्लीमेंट करना, सेव करके एक्टिवेट करना, दैट्स इट। हो गया आपका स्क्रीन फ्लो रेडी। लेकिन क्या स्क्रीन फ्लो का हम लोग इतना सा ही यूज करेंगे क्या, नहीं। तो स्क्रीन फ्लो के थ्रू हम लोग रिकॉर्ड को इंसर्ट भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे, ठीक है, और कोई एकाध फॉर्म भी बनाएंगे जिसके थ्रू आपको स्क्रीन फ्लो का जो यूज है वो प्रॉपर समझ में आएगा। ओके, तो आज के इस क्लास में हमने डे वन है, इसलिए ज्यादा बर्डन नहीं करूंगा इसके ऊपर आपको। ठीक है, तो जितना मैंने बताया इसको अच्छे से रिवाइज करो, समझो, रिकॉर्डिंग देखो, देन प्रैक्टिकल करो। ठीक है, समझ में आया। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे।